हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स स्टडी आवर टूडेज टॉपिक इज पास परफेक्ट टेंस एंड इन पास परफेक्ट टेंस वी विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स फॉर्म और इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस यूज़ ऑफ बिफोर और आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ़ आफ्टर क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज़ ऑफ बिफोर और आफ्टर का यूज़ है तो हम इन दोनों के यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं एंड लास्ट वीडियो में मैंने बिफोर के यूज़ को यानी इस्तेमाल को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ठीक है तो इसका क्या इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ समथिंग इज़ आफ्टर वाले सेंटेंस में जो हमारे आफ्टर जब हमें सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा उसके लिए हमें क्या करना है जिन सेंटेंस में आफ्टर होता है वहाँ पर आफ्टर के जो बाद लिखा हुआ सेंटेंस है आफ्टर के जो बाद में लिखा हुआ है जैसे आफ्टर इसके बाद में लिखा हुआ सेंटेंस है उसको पास्ट इनडेफिनेट फॉर्म में बनाते हैं और आफ्टर से पहले लिखे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं आफ्टर से जो पहले लिखा होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं ठीक है अब इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जैसे पास्ट इनडेफिनेट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट पहले वाले में क्या था पास्ट परफेक्ट पहले बना रहे थे फिर बिफोर था फिर पास्ट इनडेफिनेट था यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को हम पहले बनाएंगे और आफ्टर और पास्ट परफेक्ट यानी कि जो हमारा सेंटेंस लिखा होगा उसमें आफ्टर के जो बाद यानी बाद के जो बाद वाला सेंटेंस लिखा होगा उसको हम पहले बनाएंगे और किस फॉर्म में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनाएंगे ठीक है तो अफर्मेटिव के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल लाइक राम के जाने के बाद मैंने इस किताब को पढ़ा ठीक है पढ़ा ये सिंपल सेंटेंस है तो बाद अब ये देखिए जो बाद लिखा हुआ है इस बाद के जो इधर वाला सेंटेंस है ठीक है आफ्टर के जो इसके हम आफ्टर यानी बाद में ठीक है तो इसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस वाले को हम किस फॉर्म में बनाएंगे पास्ट एंड डेफिनेट फॉर्म में बनाएंगे ठीक है और इसके जो बाद से जो पहले लिखा हुआ है इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में ठीक है ऐसा ही था हमारा रूल लास्ट वाले में थोड़ा चेंज था यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो अब हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं इसके हिसाब से और ये वाला फार्मूला ही ये है क्योंकि इसको मैंने और थोड़ा एलबोरेट कर दिया है तो हम बनाएंगे सेंटेंस अपना मैंने इस किताब को पढ़ा था ठीक है और इसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे यहाँ पर फॉर्म यानी कि किस फॉर्म में बनाना है प्रेजेंट इन डेफिनेट फॉर्म में आई डी ठीक है तो प्रेजेंट इन डेफिनेट फॉर्म में मैं इसको बनाऊंगी कैसे आई सब्जेक्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है क्या है है यहाँ पर वर्क पढ़ना आई रेड आई रेड दिस बुक आई रेड दिस बुक मैंने इस किताब को पढ़ा अब हम लगा देंगे आफ्टर लग गया अब हमें बाकी इस वाले सेंटेंस को पास परफेक्ट नहीं बनना आई रेड दिस बिफोर राम के जाने के बाद बिफोर राम हैड गॉन इजी नो डाउट देखिए दोबारा से राम के जाने के बाद मैंने इस किताब को पढ़ा तो जो ये बाद के इधर वाला सेंटेंस है राइट हैंड वाला सेंटेंस है उसको पास इंडेफिनेट में बनाना है और जो बाद के लेफ्ट हैंड में है इधर की तरफ है उसको हमें पास परफेक्ट में बनाना है और पहले किसे बनाना है इसी वाले को बनाना है राइट हैंड वाले को ही हम दोनों केसेस में बनाएंगे पहले चाहे वो आफ्टर हो चाहे वो बिफोर हो तो जो भी आफ्टर के राइट में होगा या बिफोर के राइट में होगा सीधे हाथ पर होगा उसी को हम पहले बनाएंगे ठीक है यानी कि आफ्टर के जो बाद में लिखा हुआ है या बिफोर के जो बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर बिफोर के जो बाद में आफ्टर के बाद में लिखा है या बिफोर के बाद में लिखा है उसको हम पहले बनाएंगे ठीक है और किस फॉर्म में बनाएंगे पास्ट इंड की फॉर्म में और फिर जो इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में देखेंगे हिंदी वाले पोर्शन में कि बाद के जो राइट right हैंड में लिखा हुआ है उसको हमने पहले बनाया है पास डेफिनेट की फॉर्म में और जो बाद के पहले लिखा हुआ है उसको हम बनाएंगे पास परफेक्ट फॉर्म में ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेंगे तो समझ आएगा तुम्हारे सोने के बाद अब देखो ये बाद आ गया ना मैं सो चुका था तुम्हारे सोने के बाद मैं सो चुका था तो मैं बाद के इधर वाला राइट हैंड वाला उठाऊंगी और इसको मैं पाँच इंडेफिनिट में बनाऊंगी ठीक है हम इसे पास इन डेफिनेट में बनाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे अपना आई ठीक है आई हो गया हमारा इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी सोना हो रहा है तो आई स्लैप्ड ठीक है आई स्लैप्ड आफ्टर तुम्हारे सोने के बाद आफ्टर यू हैड स्लैप्ड ठीक है ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नाउ नेगेटिव सेंटेंस अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा वो भी सेम फार्मूला है बस यहाँ पर क्या लग जाना है इस वाले में हमको नॉट लगा देना है क्योंकि अब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर एक इशू ये रहेगा कि नेगेटिव सेंटेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी बस ये याद रखना है फास्ट इंडेफिनेट बने बनेगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब इस केस में ठीक है सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल जैसे राम के जाने के बाद मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था इसी एग्जांपल को हम लेते हैं राम के जाने के बाद मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा ठीक है ये नेगेटिव फॉर्म हो गई अभी हमें क्या लिखना है अब हम इसको बाद के जो इधर वाला सेंटेंस है अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि चीजें क्लियर रहे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसको हमें किस फॉर्म में बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है यहाँ लिख देती हूँ मैं पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है इसको ठीक है और इस वाले को बाद से इधर वाला जो है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो अब हम इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में और नेगेटिव क्योंकि हो गया है ये तो नेगेटिव में हमें क्या करना है डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है डेड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेड नाट यहाँ पर ठीक है तो अब हम बनाते हैं अपने सेंटेंस को आई मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था आई डिड नॉट मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था ना आई डिड नॉट रीड दिस बुक आफ्टर राम हैड गॉन ठीक है आई डिड नाट रीड दिस बुक आफ्टर राम हैड गॉन क्लियर नाउ डेट्स टेक अनदर एग्ज़ाम्पल ओके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आपके जाने के बाद मैं पटना नहीं जा चुका था निगेटिव एग्ज़म्पल है तो हमें क्या करना है बाद के जो इधर वाला सेंटेंस है उसको हमें पास्ट इनडेफिनेट में बनाना है कैसे बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में ठीक है और जब पास्ट इनडेफिनेट में बनाएंगे नेगेटिव फॉर्म आ गई तो डिड के साथ नॉट लग जाएगा और बाद के जो पहले वाला है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आपके जाने के बाद मैं पटना नहीं जा चुका था आई डिड नॉट गो टू पटना आफ्टर यू हैड गॉन कोई प्रॉब्लम नहीं ना तो आई डिड नॉट गो टू पटना आफ्टर यू हैड गॉन ये हमारा नेगेटिव हो गया जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी ये वाला ठीक है अब ये कंप्लीट नाव वी कम टू इंटरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव के लिए भी हमारा वही होना है फॉर्म इंटरोगेटिव फॉर्म के लिए भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा ठीक है वही कि पहले पास इंडेफिनेट और फिर आफ्टर एंड देन पास्ट परफेक्ट ठीक है हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट ठीक है तो पास्ट परफेक्ट ओके नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दिस अभी हमें इसका एग्जांपल कैसे बनना है इसका पहले हम स्ट्रक्चर डाल देते हैं इसका स्ट्रक्चर होगा डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर नॉट होगा तो हम लगाएंगे नहीं तो हम हटा देंगे उसको प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आफ्टर आफ्टर प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस फिर हैड प्लस फिर नॉट प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट अब इस फॉर्मूले में ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है अगर सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं तो हम उसको स्किप कर देंगे अगर सपोज़ नॉट नहीं है तो हम नॉट को स्किप करेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को स्किप करेंगे ठीक है सारी चीज़ें लिखना नहीं होता है तो एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे क्या आपके जाने के बाद, बाद वह पटना नहीं जा चुका था इंटेरोगेशन मार ठीक है वह पटना नहीं जा चुका था क्या आपके जाने के बाद वह पटना नहीं जा चुका था ठीक है तो अब हम इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं ठीक है बहुत पेशेंटली कामली हम सारी चीज़ें कर रहे हैं सो so दैट आपको समझ आए अभी हमें क्या करना है सबसे पहले हमें बाद के इधर वाले सेंटेंस को पास्ट इन डेफिनेट फॉर्म में बनाना है इधर वाले को हमें पास्ट इन डेफिनेट में बनाना है आई एन डी कर देती हूँ ठीक है तो वॉट वी विल डू वह पटना नहीं जा चुका था ही डिड ठीक है क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें डेट को पहले लेना डिड ही नॉट है तो नॉट लगाएंगे डिड ही नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड ही नॉट गो टू पटना ठीक है आफ्टर आफ्टर के बाद हम लगाएंगे यू हैड गॉन आपके जाने के बाद यू हैड गॉन इंटरोगेसन मार्क ठीक है डेड ही नॉट गो टू पटना आफ्टर यू हैड गॉन क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हमने इस वाले को हमने पास प्रजेंट इन डेफिनेट में बना दिया है आफ्टर लगा के और ये वाला हमारा किस में बन गया है पास परफेक्ट में और क्या कैसे बनाया पास परफेक्ट आफ्टर लगा दिया सब्जेक्ट क्या है यू हैड लगाना है Not नहीं है तो नॉट को स्किप करेंगे और गॉन verb की थर्ड फॉर्म ठीक है नाउ एक और एग्जांपल इसके बाद एक और एग्जांपल वह तुम्हारे जाने के बाद, बाद कहाँ जा चुका था ठीक है वह तुम्हारे जाने के बाद कहाँ जा चुका था अब ये वाला एग्ज़ाम्पल हमारा क्या हो गया डब्ल्यू एच टाइप तो डब्ल्यू एच टाइप के लिए हम बस इसमें डब्ल्यू एच टाइप को स्टार्टिंग में लगा देंगे है ना ये हमारा हो गया डब्ल्यू एच टाइप ठीक है डब्ल्यू एच टाइप को हमने इस वाले फॉर्मूले से इस वाले आ, सेंटेंस के साथ ऐड कर दिया है ये वाला जाएगा तो हम क्या करेंगे अपना सिंपल फॉर्म में बस लिखेंगे वह तुम्हारे जाने के बाद कहाँ जा चुका था तो कहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे वाई वेयर वेयर मींस कहाँ? वेयर कहाँ जा चुका था वेयर डेड ही गो क्योंकि तो नॉट नहीं है तो नॉट को स्किप करेंगे वेयर डिड ही गो आफ्टर यू हैड गॉन इंटरोगेशन मार्क ठीक है वेयर डिड ही गो आफ्टर यू हैड गॉन आपके जाने के बाद वह कहाँ जा चुका था तो हमने ये वर्ड पहले उठा लिया कहाँ जा चुका था वेयर डिड ही गो आफ्टर यू हैड गॉन तो इसका फार्मूला क्या होगा हम इसके फार्मूले को लिखेंगे डब्ल्यू एच प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस फिर से सब्जेक्ट प्लस फिर से हैड हमारा प्लस नॉट प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है ये हमारा डब्ल्यू एच का फार्मूला भी रेडी हो गया ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया था फार्मूला हमने बाद में लिख दिया है ठीक है अब एक और एग्जांपल हम चेक इट आउट करते हैं देखो एक और एग्जांपल के साथ हम आज की आज इसको समझ लेंगे अच्छे से जैसे आ, एक एग्जांपल मेरे आने से पहले सॉरी मेरे आने के बाद मेरे आने के बाद के शव कहाँ पर जा चुका था मेरे आने के बाद केशव कहाँ पर जा चुका था तो बाद के बाद वाला सेंटेंस पहले बनाना है अब हम फिर से वही करेंगे वेयर वेयर मिस कहाँ? वेयर डेड केशव ठीक है इसमें अप्लाई करना है ना वेयर डेड केशव केशव नॉट नहीं है तो नॉट को हटा देंगे वेयर डेड केशव गो कहा पर जा चुका था वेयर डेड केशव गो आफ्टर मेरे आने के बाद आफ्टर आई हैड आने के लिए आई हैड कम मेरे आने के बाद ठीक है ये सेंटेंस वेयर डेड केशव गो आफ्टर आई हैड कम मेरे आने के बाद तो हमने क्या किया मेरे यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया वेयर यहाँ से उठा के फिर डेढ़ लग गया फिर हमारा सब्जेक्ट केशव हो गया फिर नॉट नहीं है तो नॉट को हमने स्किप कर दिया ठीक है फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फिर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर हम आफ्टर लिख दिया हमने फिर सब्जेक्ट फिर से हमारा आई है आई फिर हैड को लगा दिया आई हैड कम नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ा वर्म क्या फॉर्म है कम केम कम थर्ड फॉर्म लगा दी आई हैड कम कम केम कम तो उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है फिनिश ठीक है तो दिस वाज द पास परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म और ए, किसका यूज़ किया आज हमने आफ्टर के यूज़ के साथ हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म को फिनिश किया तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़ जो हमने आज की है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ईजी है अगर आप समझेंगे तो थोड़ा फोकस करेंगे तो ईजी हो जाएगा समझ आ जाएगा ओके okay? फाइन तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो एंड ध्यान रखिए आप अप, सब लोग अपना बाय एंड टेक केयर